मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को नगर निगम पहुंचे। इस दौरान महानगर में साफ सफाई के लिए नगर निगम द्वारा 6 करोड़ रुपए में खरीदी गई 20 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर गाड़ी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर महानगर वासियों को सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम की ओर से पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा CSR फंड से निःशुल्क 20 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा संबंधी प्रमाण पत्र 2 कर्मचारियों को भी दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम सदन भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया तथा कार्य को 30 नवंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि शहर के विकास के लिए नगर निगम की ओर से जल्द ही 100 करोड़ की लागत के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। साथ ही बताया कि नगर निगम में शामिल 32 गांवों के विकास के लिए 193 करोड़ की योजना तैयार की गई है। स्वीकृति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है, जिसमें इन शामिल गांवों में स्ट्रीट लाइट, सड़क और नाली का निर्माण कार्य हो सकेगा। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, जिससे हम लोगों का उत्साह बढ़ा है। इस दौरान मेयर सीताराम जायसवाल, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, DIG गोरखपुर परिक्षेत्र डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह, मंडलायुक्त रवि कुमार NG, SSP दिनेश कुमार P, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, SP दक्षिण अरुण कुमार सिंह, CMO सुधाकर पांडे, क्षेत्राधिकारी कोतवाली विमल कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, वैक्सीनेशन कार्यक्रम में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं पूरे नगर निगम परिवार की ओर से 20 रिफ्यूज्ड कॉम्पैक्टर की सौगात दी जा रही है, ताकि हमारा शहर गोरखपुर स्वच्छ सुंदर के साथ साथ स्वस्थ गोरखपुर भी पहले की तरह बना रहे। अब तक पिछले 3 दिनों में भारी बारिश के बीच लगभग 500 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक आखिरी व्यक्ति को भी टीका नहीं लग जाता है। निगरानी समितियों के द्वारा CMO सर के सहयोग से निगरानी समिति के द्वारा 26,575 मेडिकल किटों का वितरण किया जा चुका है। इसी प्रकार से विशेष सफाई अभियान के तहत जो है समस्त वार्डों 70 वार्डों को बीट सिस्टम प्रणाली लागू की गई है। साथ ही साथ यहां पर RFID तकनीक का इस्तेमाल करके 30,000 लीटर से ज़्यादा फ्यूल की बचत की जा रही है और बैंक के द्वारा हमें 1.275 रुपये का एक्स्ट्रा जो है बोनस भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ पंजाब एंड सिंध बैंक एवं नगर निगम के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसके तहत हमारे समस्त सफाई कर्मचारियों को एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कवर करके के तहत प्रत्येक कर्मचारी को 20 लाख रुपए का हम लोग को जो रिस्क कवर का भी फैक्टर हमने रखा है। गांव के तहत सर अंत्येष्टि स्थल पर जितनी भी कोरोना से डेथ हुई है उनमें जो भी लोग वहां पर आए वो सारी व्यवस्थाएं जो हमने सर निःशुल्क किया हुआ है, जो घरों से जिनके पास कोई घर में कोई डेड बॉडी ले जाने वाला नहीं था उसके लिए भी पूरा निःशुल्क सौवाहन की व्यवस्था की हुई है। उनके सड़क, नाला, नाली, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था के लिए जो है 193 करोड़ रुपए का जो है हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। सर जो उनको बुलाना चाहूँगा जो बैंक के मुख्य प्रबंधक यहाँ पर आ जाए। सर सर और सर और सभी वाहन चालकों से अनुरोध है, महाराज जी इधर घूम जाए।
न्यूज़ इंडिया बाबू थोड़ा किनारे तो हो जाओ यार, हमें अपने काम करने लड़ने लगे ठीक है ना, कितना डिस्टेंस बना ही अब चल जाएगा यार ऐसे खासतौर से। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो प्रोजेक्ट है नव निर्माण भवन का, उस प्रोजेक्ट का जो नक्शा है नक्शे को पहले पूरा पार्किंग तीन ऑफिसर यहाँ पे जी थोड़ा सा इसमें ऑफिस और मेयर साहब का कमरा है, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के जो नक्शे हैं उस नक्शे को यहाँ पे ऑफिस डबल हाइट है। हाइट ज़्यादा अब तक कितना आपने निर्माण का सर ये हो गया है ग्राउंड पर जा रहा है, 15 दिसंबर तक 20 नवंबर का लक्ष्य रखते हैं सर, 30 नवंबर तक हाल में इसको कंप्लीट, काफ़ी लेट आप लोग लेट हुआ उसमें भी आपकी मैं जाऊँगा तो आप मेयर साहब के कक्ष में बैठे और उसके बाद उन्होंने जो नगर निगम की में सारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जाना, वहीं पर हम लोगों ने उनको बताया कि जो RFID हमने अपने सारे वाहनों में लगवा दिया है वो उससे हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है कि हम 30,000 लीटर का जो डीजल और पेट्रोल बचा रहे हैं और इसके माध्यम से हमको 1.75 रुपये का जो एक इंसेंटिव मिल रहा है जो ऑयल कंपनी की तरफ से जो है बैंक की तरफ से कह लीजिए, तो उससे कभी उसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। इसके साथ साथ जो पंजाब एंड सिंध बैंक के द्वारा जो हम लोग का नगर निगम गोरखपुर का जो पूरे यूपी में कह लीजिए इस प्रकार का पहला होगा जो एक एग्रीमेंट हुआ है, वहाँ के जो मुख्य प्रबंधक हैं श्री ओझा जी वो भी मौजूद थे और उनके माध्यम से उनको बताया गया कि हमारे एक जो एक एक्सीडेंटल एवं डिसेबिलिटी के जो कवर के अंतर्गत हम लोग अपने सभी जो कर्मचारी हैं उनको 20 लाख तक का जो है इंश्योरेंस हम लोगों ने किया है। अभी हम लोगों ने लगभग 1200 कर्मचारियों को इस दायरे में लिया है और इसको आगे देखने के बाद आगे भी इसको हम लोग बढ़ाएंगे। इसके साथ ही साथ जब माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर आए जहाँ की वहाँ पर एक स्टेज बना हुआ था और जो हमारे जनपद में नगर निगम गोरखपुर में जो 20 नए रिफ्यूज कॉम्पैक्टर आए हैं उनको हरी झंडी दिखाकर उन्होंने उसको लागू किया। हरी झंडी दिखाने से पहले उन्होंने संबंधित वाहनों के ड्राइवरों को उसकी वाहन की चाबी भी प्रदान की और इसके पश्चात जो है वहाँ पर वो जो अन्य योजनाएं हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी गई। साथ ही इसके बाद जो नगर निगम की नई बिल्डिंग बन रही है जो कि CNDS के द्वारा बनवा रही है, CNDS के MD और उनके एक्सीएन चीफ इंजीनियर आदि मौजूद थे, उनके जो आर्किटेक्ट था उसने पूरे अपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह ही उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया और माननीय
मुख्यमंत्री जी को ये आश्वस्त किया कि हर हालत में 15 दिसंबर तक इसका वो लोकार्पण करा देंगे। इसके पहले ये एक बड़ा हॉल दे रहे हैं जिसमें कि हमारे ITMS का जो ITMS का हमारा कंट्रोल रूम यहाँ पर बनेगा और वो ITMS का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि हमारे पास 13 जंक्शन होंगे उन 13 जंक्शन को हम लोग जो है सितंबर के लास्ट में पूरी तरह से शहर के लिए चालू कर देंगे। तो ये तमाम योजनाएं थी जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बारीकी से देखा। इस ITMS के बारे में, जल निकासी के संबंध में, विशेष स्वच्छता अभियान, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग आदि पूरे आप कह लीजिए कि नगर निगम के जितने भी काम हैं, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बहुत ही गहनता से उन्होंने परीक्षण किया, निरीक्षण किया। लेकिन उसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि उनके इस नगर निगम के में आने से निश्चित रूप से जो है सभी की जो यहाँ के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हमारे पार्षद साथीगण हैं, सभी के जो हौसले हैं उनमें काफ़ी हौसला बुलंद हुआ है। उन्होंने जो हौसला अफजाई की है नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर, तो निश्चित रूप से एक नया जोश सब में भरा है कि हमको इस मौके पर और अच्छा काम करके दिखाना है। और एक जो मुख्यमंत्री जी के सामने एक स्लोगन रखा गया कि हमको स्वस्थ क्या नाम है स्वच्छ गोरखपुर, सुंदर गोरखपुर के साथ साथ हमको इसको पहले की तरह स्वस्थ गोरखपुर भी बनाए रखना है। ये तभी हो पाएगा जब हम पूरी तरह से सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, विशेष संक्रमणीय अभियान, नालों की सफाई इसी प्रकार से करते रहेंगे। तो इसके साथ ही साथ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी जो उन्होंने बैठक किया था उसमें कहा था कि जो नगर निगम के विस्तारीकरण के अंतर्गत जो 32 गाँवों को शामिल किया गया है उसके संबंध में उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को कहा था पहले भी। उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोगों ने बना के 193 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख आज पेश किया गया, जिसको कि उन्होंने कहा कि तत्काल इसको जो है शासन में इसको भिजवा दें। और कल ही इस संबंध में अपर मुख्य सचिव जो नगर विकास है उनसे बात भी हो चुकी है, उन्होंने भी कहा इसको तत्काल भिजवाइए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक में बताया भी था कि इन सारी इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि नए मतलब नगर निगमों के जो विस्तारीकरण की सीमा के अंतर जो ग्राम पंचायत आ गई हैं उनके डेवलपमेंट के लिए 1000 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो रिलीज कर दी गई है। अनुरोध किया गया है कि अगर गोरखपुर के नगर निगम के जो गांव शामिल हुए हैं उन 3200 गांवों के लिए जो धनराशि अलॉट की गई अगर तत्काल वो आ जाती है तो हम लोग तत्काल ही जो है वहां पे सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, डिवाइडर, नालों की सफाई, नालों की मरम्मत। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी इसके लिए फंड रिलीज जाएगा। अब मैं कहूँगा कि आने वाले समय में ये जो हमारे 32 गांव हैं इसको हम लोग नगर निगम के अन्य वार्डों की तरह ये भी एकदम साफ सुथरे एक सारी सुविधाओं से सुसज्जित होंगे। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर परिसर में दूसरी बार पदार्पण हुआ है। उनका उद्देश्य है कि पूरे देश, पूरा अपना उत्तर प्रदेश कोरोना मुक्त हो। उसके दिशा निर्देशन में टीकाकरण का अभियान CMO और हमारे नगर आयुक्त के देखरेख में चल रहा है। 3 दिनों के अंदर 500 लोगों ने टीकाकरण कराया है। योगी जी कहा चाहते हैं कि गोरखपुर में 100% टीकाकरण हो। इसका कारण है कि कोरोना बीमारी का एकमात्र इलाज है सब तक टीका पहुंचाना। वो हमारी सरकार तो मुखिया योगी जी, मोदी जी इसको बखूबी निभा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा पहले और दूसरे कोरोना काल में गोरखपुर में बहुत कम लोग काल कॉलित हुए हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में जैसा कि आज हमारे नगर आयुक्त साहब ने बताया कि हम लोगों ने सौदागरी पर इतनी अच्छी व्यवस्था की थी मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में, कोई भी व्यक्ति कहीं का हो अगर गोरखपुर में अपना अंत्येष्टि करना चाहता है कोरोना पीड़ित तो उसके लिए नगर निगम की तरफ से सभी पार्षदों के सहयोग से मुफ्त में लकड़ी की व्यवस्था, गैस फायर की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई थी जिसकी यहाँ के नागरिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसी तरह मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कोरोना जड़ मूल से ख़त्म करने के लिए
एक ही बात उपाय है, शहर को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ रखना। उसके लिए नगर निगम में 20 कंपेक्टर मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में मंगाए गए हैं, जिसका आज मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके जनता को समर्पित किया है। एक कंपेक्टर वो काम करेगा कि वो कूड़े को, सूखे कूड़े को कंप्रेस करके छोटा छोटा गोला के रूप में बनाएगा। 4 ट्रक का कूड़ा एक कंपेक्टर का गोला बना लेगा और उसको डिस्पोज करने में काफ़ी आसानी होगी। इस तरह से शहर का हर कोना कूड़ा मुक्त होगा, ये हमारे योगी जी चाहते हैं। और हम लोग नगर निगम, नगर आयुक्त, पार्षदों के सहयोग से ये काम बखूबी निभा रहा है। और आगे आप लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सबसे साफ सुथरा और सुंदर शहर मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशन में लगेगा। इस तरह सड़कों की व्यवस्था, मेडिसिन की व्यवस्था, रिहाड़ी मजदूरों पर 1,000 रुपया देने की व्यवस्था, गरीबों को खाद्यान्न देने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी किया है। ये हम गौरवासियों के लिए गर्व की बात है। और आगे भी उन्होंने गोरखपुर को, जैसा आज उन्होंने बताया कि सीताराम जी आपके कहने पर मैंने सदन भवन किया है, ये आपको श्रेय जाता है। हमने कहा कि नहीं महाराज, पैसा आपने दिया, श्रेय आपको जाएगा। तो इस तरह की बातें आपस में हुई है हम लोगों की। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा, हमारे पार्षद लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे उपसभापति ऋषि मोहन, ब्रजेश सिंह छोटू जी, राजेश तिवारी जी, राजेंद्र तिवारी जी, और भी हमारे बहुत सारे पार्षद यहाँ उपस्थित है, अजय राय जी है। नगर निगम को उन्होंने निर्देश दिया है कि पूरी ईमानदारी और दक्षता के साथ नगर निगम के पार्षद सभी कर्मचारी मिलजुल करके काम करें, जिससे कि ये शहर स्वच्छ और सुंदर दिखाए। हम लोगों का दायित्व है कि मुख्यमंत्री जी हमारे हैं, हमारे बीच के हैं, हमारे शहर के हैं, ये हम उनके दिशा निर्देशों को पालन करते हुए करके दिखाएंगे। इसमें हम लोग किसी तरह की कोताही नहीं करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों 110 सड़कों का शिलान्यास किया था, वो अधिकांश सड़कें उससे बन करके तैयार हो गई है। हम लोगों ने आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी से उसके लोकार्पण के लिए, और हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को समय देंगे, हम उसका लोकार्पण भी करेंगे। साथ ही साथ जो 36 गांव, 32 गांव जो हमारे नगर निगम में शामिल किए गए हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी राशि स्वीकृत की है। हम लोगों ने कहा है कि हमारी 198 करोड़ की एक प्रोजेक्ट बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि हम उसको जल्द से जल्द करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही आज सुखद अनुभूति रही, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि दोबारा मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए और हम लोगों को प्रेरणा दिए, हम लोगों को गाइडलाइन दिए कि किस तरह से शहर के लिए काम करना है।